पर जुड़ रहा है इश्फाक, ताजा जानकारी बताएगा। दो से तीन आतंकवादी छिपे होने की खबर मिली है और एनकाउंटर अभी चल रहा है श्रीनगर में। देखिए बिल्कुल हर्ष, अभी थोड़ी देर पहले जो है ये झड़प शुरू हुई है और इस झड़प की पुष्टि खुद जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी की है कि एक इंटेलिजेंस इनपुट जो मिला था सिक्योरिटी एजेंसीज को, उसी इंटेलिजेंस इनपुट की बिना पर ये श्रीनगर के बिल्कुल पास का इलाका है जिसको रंगरेट कहते हैं, और रंगरेट के इस इलाके के अंदर इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उनकी तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया है। और इनिशियली जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था तो उसी वक्त जीरो किया गया था उस मकान को जिसके अंदर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, और फर्स्ट प्रायोरिटी जो इस ऑपरेशन के दौरान रहती है क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है, कोशिश की जा रही है कि वहां पर जो आसपास के सिविलियन से पहले इनको रेस्क्यू करवाया जाए। और इस दौरान ये भी कोशिश होगी कि जो हम लगातार देख रहे हैं कि सरेंडर मिलिटेंट करे, और उसके बाद अगर ये चीज नहीं चलती तो उसके बाद ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन सिर्फ थोड़ी देर पहले श्रीनगर के अंदर ये ऑपरेशन शुरू हुआ, और अगर इस एरिया की आप बात करेंगे तो एक महीने में लगभग ये दूसरी तीसरी बार है जब इस तरीके से श्रीनगर के अंदर इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया है, बड़े पैमाने पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल इस बात, क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात करें कुछ सालों से श्रीनगर खामोश था, लेकिन एक बार फिर आतंकवादी गतिविधियां श्रीनगर के अंदर खासकर बढ़ रही है। अगर सेना को हम सुनते हैं तो सेना कह रही है कि वहां आतंकियों का सफाया कर रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जो इलाके खामोश रहे कुछ सालों तक, एक बार फिर वहां पर हलचल देखने को मिल रही है आतंकवादियों की। देखिए अगर आप देखेंगे इसके बिल्कुल पास में एरिया पुलवामा पड़ता है जो साउथ कश्मीर का एरिया है, और वहां पर लगातार जो आर्मी ऑपरेशंस है वो बहुत कामयाब ऑपरेशन चले हैं और मिलिटेंट मारे भी गए हैं। और इसी तरीके से जब आप श्रीनगर की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट जैसे आपको याद होगा कि आज से तकरीबन एक डेढ़ महीना जब डीजीपी श्रीनगर के ऑपरेशन पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा देखिए मिलिटेंट कोशिश करते हैं श्रीनगर में आने की, उन्हें किसी से मिलना होता या अपना ओजीडब्ल्यू ग्रुप जो है उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि श्रीनगर में अंदर अगर वो पैर जमाने में कामयाब हुए दैट मीन्स वो खबरों में हमेशा रहेंगे, क्योंकि श्रीनगर शहर के अंदर जो नेटवर्क है वो ऑलमोस्ट क्लियर किया था लास्ट टाइम जो पुलिस ने दावा पेश किया था, और अब आउटस्कर्ट्स और श्रीनगर के हैं वहां पर कहीं ना कहीं आने की कोशिशें होती हैं और लोगों से मिलकर वो वापस भी जाते हैं, इस तरीके की खबरें आती है। तो यही वजह है कि श्रीनगर इन दिनों बहुत ज्यादा सुर्खियों में। और दूसरी बड़ी बात जो है जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक भी जो लोकल मिलिटेंट्स का ज्वाइन करने का सिलसिला था वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन इंफिल्ट्रेशन के बाद अभी भी जो फोर्सेस का मानना कि 200 से ज्यादा मिलिटेंट जो है वो अभी कश्मीर घाटी के अंदर एक्टिव है। बिल्कुल इश्फाक, क्या ये भी जानकारी मिल पाई है कि जो आतंकी है किस तंजीम से ताल्लुक रखते होंगे, क्योंकि अभी दो से तीन आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, क्या कोई आधिकारिक बयान दिया गया है सेना की तरफ से? देखिए सिर्फ अभी आधिकारिक बयान पुलिस की तरफ से सामने आया थोड़ी देर पहले कि एनकाउंटर जो है वो इस एरिया के अंदर शुरू हो गया है और दो या तीन मिलिटेंट है। अभी ये किस ऑर्गेनाइजेशन से है, कौन है, जब तक थोड़ा सा और क्लियरेंस नहीं होगा उसके बाद ही हम पुष्टि के साथ बता पाएंगे। खबरें बहुत हैं कि और एक टॉप लश्कर कमांडर वहां पर है, लेकिन अभी पुष्टि के साथ कोई चीज नहीं बता सकते हैं जब तक पुलिस या एजेंसियां जो इस ऑपरेशन के अंदर है वो कंफर्म ना करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इश्फाक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट करने के लिए। तो एग्जीक्यूटिव एडिटर जिस तरीके से बता रहे थे कि नजदीक का एरिया पुलवामा पड़ता है और वहां पर किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां रहती हैं, लेकिन अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में एक बार फिर आतंकियों की बात करें तो आतंकी फिर से अपनी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सेना कह रही है कि हम अपना काम कर रहे हैं और आतंकियों का सफाया चुन चुन कर किया जा रहा है, कि दो से तीन आतंकवादी अभी भी छिपे हुए हैं जो इनपुट के आधार पर सेना को खबर मिली, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अभी भी एनकाउंटर चल रहा है श्रीनगर के अंदर। ताजा जानकारी हम आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि एनकाउंटर स्टार्ट हो चुका है श्रीनगर के अंदर, एनकाउंटर शुरू हो चुका है, लेकिन अभी ये खबर आना बाकी है क्योंकि सेना आतंकियों का खात्मा कर रही है, किस तंजीब से वो आतंकी ताल्लुकात रखते हैं उसकी जानकारी भी बहुत जल्द हम आपको देंगे। लेकिन बड़ी खबर दो से तीन आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है श्रीनगर के अंदर, और श्रीनगर में इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि मुठभेड़ इस
वक्त चल रही है और जिस तरीके से हमारे सीनियर साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर इश्फाक गौहर बता रहे थे कि आतंकी गतिविधियां किस तरीके से बढ़ रही हैं, हालांकि अगर बात करें तमाम रिपोर्ट्स की तो तमाम रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आतंकी गतिविधियों में संलिप्त इस वक्त कश्मीर के युवा ज्यादातर हो रहे हैं, क्योंकि तमाम रिपोर्ट हैं वो ये कहती हैं। लेकिन अगर हम सेना को सुनते हैं तो सेना ये कह रही है कि आतंकियों का काम तमाम किया जा रहा है, मोस्ट वांटेड जो कमांडर थे उनको मार गिराया है इस साल के अंदर, और इस साल के अंदर बड़े पैमाने पर आतंकियों का खात्मा सेना की ओर से किया गया है। हालांकि अभी 2 से 3 आतंकी श्रीनगर के अंदर है और उनका भी जल्द खात्मा हो सकेगा ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि सेना आतंकियों को मार गिराने का काम करती है और श्रीनगर के अंदर अभी मुठभेड़ चल रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 आतंकवादी अभी भी छिपे हुए हैं और श्रीनगर के अंदर इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है और श्रीनगर में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जो ताजा जानकारी इस वक्त मिल रही है और ये आतंकियों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, हालांकि जो अभी आधिकारिक पुष्टि हुई है उसमें ये है कि अभी एनकाउंटर चल रहा है और आपको हम पूरी खबर बता रहे हैं कि 2 से 3 आतंकवादी हो सकते हैं और इलाके की अभी छानबीन सेना कर रही है, जिसकी ज्यादा जानकारी हम आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है श्रीनगर के अंदर, क्योंकि हालांकि श्रीनगर की अगर बात करते हैं तो श्रीनगर कुछ सालों तक खामोश जरूर रहा था, आतंकवादी गतिविधियां वहां पर नहीं देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर इससे पहले भी श्रीनगर में आतंकियों का हमला हो चुका है और अब अगर बात करें तो आतंकी वहां पर छिपे हैं श्रीनगर के अंदर और इस वक्त सर्च ऑपरेशन सेना चला रही है और इस वक्त काम तमाम किया जा रहा है आतंकियों का, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि श्रीनगर के अंदर सेना और आतंकियों की मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर इस वक्त मिल रही है और श्रीनगर में सेना और आतंकियों की मुठभेड़ लगातार जारी है। कुछ देर में हम आपको बड़ी जानकारी भी देंगे कि 2 से 3 आतंकी जो छिपे हैं उसका जल्दी सेना खात्मा करेगी, क्योंकि सेना लगातार आतंकियों का खात्मा करती है और सेना की तरफ से जिस तरीके से बयान सामने आते हैं कि मोस्ट वांटेड कमांडरों का खात्मा हो या फिर तमाम आतंकियों का खात्मा हो सेना कर रही है। 2 से 3 आतंकी फिलहाल छिपे हुए हैं और श्रीनगर से ताजा जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जब आतंकियों की मुठभेड़ इस वक्त चल रही है सेना के साथ और ताजा जानकारी हम आप तक गुलिस्तान न्यूज आप तक पहुंचाने की अभी कोशिश कर रहा है और जैसे जैसे जानकारी मिल रही है वैसे वैसे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एनकाउंटर का सिलसिला लगातार जारी है और श्रीनगर के अंदर यह एनकाउंटर चल रहा है, मुठभेड़ चल रही है, जैसे जैसे जानकारी मिलती रही है वैसे वैसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है, हालांकि यह संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि आतंकियों का काम तमाम सेना की तरफ से किया जा रहा है और 2 से 3 आतंकवादियों का खात्मा भी सेना जल्दी करेगी, जैसा कि हम हमेशा देखते आए हैं कि श्रीनगर में इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है, जिसकी ताजा जानकारी और बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर एनकाउंटर हुआ है श्रीनगर के अंदर और इस वक्त मुठभेड़ का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि सर्च ऑपरेशन की बात करें तो सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से इस वक्त चलाया जा रहा है और आतंकी छिपे होने की खबर मिल रही है कि आतंकी 2 से 3 छिपे हैं और सेना की तरफ से जैसे ही आधिकारिक बयान आएगा एक और कि कितने आतंकियों का खात्मा हुआ, क्या कुछ सेना कर रही है वैसे हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आधिकारिक पुष्टि ये है कि श्रीनगर के अंदर एनकाउंटर अभी चल रहा है और आतंकियों की तलाश सेना कर रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। का वक्त उचला ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।